नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द बेस्ट गल्फ जॉब में। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए जानकारी है। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, जॉब का डेजिग्नेशन रिसेप्शनिस्ट और ऑफिस बॉय की जॉब है। रिसेप्शन पे जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए, जो कॉल अटेंड करते हैं, टेलीकॉलर की जॉब है। इसमें तीन चार टाइप्स की जॉब एक ही वीडियो में डाल रहा हूं मैं आपको, ऑफिस बॉय, रिसेप्शनिस्ट और सबसे पहले आपको टेलीकॉलर की जॉब, ये तीनों की एक ही साथ वीडियो बना रहा हूं। जानकारी देने से पहले जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो मेरे दोस्त पुराने वीडियो देख रहे हैं वो एंड में अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाए ताकि आने वाली जानकारी आपको तक मुहैया करा सकूं। तो बात करेंगे सबसे पहले ऑफिस बॉय की। ऑफिस बॉय में आपको मेल चाहिए, हमें मेल और फीमेल की बात कर रहा हूं, पहले मेल ऑफिस बॉय में चाहिए। मेल के लिए गुड लुकिंग होनी चाहिए और 21 साल से लेकर 35 ईयर तक की एज होनी चाहिए, यंग ब्लड होना चाहिए और अच्छा गुड लुकिंग फेस होना चाहिए। और दूसरी बात बता दूँ, उसको फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें यूज़ करनी आनी चाहिए ऑफिस बॉय को। और ऑफिस बॉय को एन मौके पे डॉक्यूमेंट की भी जो अथॉरिटी मिल सकती है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की भी जॉब मिल सकती है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल करके रखना, या जैसे उनको बताया जाता है मैनेजर द्वारा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में आपने काम किया होगा, वहाँ पे बताते हैं ऑफिस बॉय कैसे काम करते हैं, ऑफिस बॉय की क्या क्या डेजिग्नेशन होता है, क्या क्या जॉब होती है, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो उसको उसी के आधार पर काम करना पड़ता है। जैसे मैनेजर को ऑफिस बॉय चाय भी पिलाता है, कई बार जूस भी मंगा के पीता है, वो कुछ भी उसके लिए वो काम करता है, उसका बैग उठा के गाड़ी में भी रखता है। तो ये थी ऑफिस बॉय की जॉब। आगे रिसेप्शनिस्ट की बात करते हैं, इनको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और टाइपिंग आनी जरूरी है। टाइपिंग के लिए आपको दूसरी सेकंड बता दूं, आपको वहां पे इंग्लिश में गुड स्पीकिंग, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। जिस भी फीमेल ने जाना हो, जिस भी लड़की ने इसमें अप्लाई करना हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, गुड लुकिंग होनी चाहिए। और आपकी सबसे अच्छी बता दूं, आपको टाइपिंग इन इंग्लिश में आनी चाहिए, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, आपने कॉल उठानी है, इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए आपको। और आपको जो भी ऑर्डर मिला, जो भी आपने किसी की हेल्प की है, एज ए हेल्प में आप वहाँ पर किसी को भी आप ऐसे कुछ भी वहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, तो उसका बहुत बड़ा असर कंपनी पे पड़ता है, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, वो एक कंपनी का फेस होता है। उसको रिसेप्शनर को देख के पता चल जाता है भी कंपनी कितनी अच्छी है या कितनी उसमें क्वालिटी है। सेकेंड नंबर की बात कर दें टेलीकॉलर की जॉब, तो फ़ोन अटेंड करने के लिए टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी मेरे दोस्त को जाना हो, आगे मोर जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर मेरा 8114423789 है, और जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है 7665356000, ये आप WhatsApp पे आप अपना जो भी सुझाव है, जो भी बात है, अपने डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हैं। दोस्तों, जिस भी मेरे दोस्त को ये जानकारी अच्छी लगी हो, रिसेप्शनर की जॉब है, टेलीकॉलर की जॉब बता दी, ऑफिस बॉय की जॉब बता दी, तीन टाइप्स की मैंने जॉब बता दी। सैलरी की बात कर लेता हूँ, सैलरी जो ऑफिस बॉय की जॉब है उसके लिए 1200 दराम सैलरी है, रिसेप्शनर की जॉब 1500 से लेके 3000 दराम तक की जॉब है, 3000 दराम, 1500 दराम से लेके, जैसी क्वालिटी बंदे में वैसी सैलरी सर। और जैसा ही वो टेलीकॉलर की जॉब ऑफिस बॉय की 1200 से लेके 1500 दराम तक है, जैसी आप में क्वालिटी वैसी ही आपको जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें अकोमोडेशन आपको कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, मेडिकल आपको कंपनी देगी, इंश्योरेंस आपको कंपनी देगी, यूनिफॉर्म तक आपको कंपनी देगी, जो वहां पे आपने यूनिफॉर्म पहननी है। रिसेप्शनर की, ऑफिस बॉय की व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट होती है, जो उसी तरह रिसेप्शनर की जॉब होती है, उसकी भी एक यूनिफॉर्म कोड होता है, तो वो आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। ये सारी फैसिलिटी है, इंटरनेट फ्री सुविधा है आपको, इसमें सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।